हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। देखिए, अपना आरआरबी जेई का क्लासेस जो चल रहा है वो वैसे ही शेड्यूल रहेगा। मंडे से फ्राइडे आपको मैथ्स और जनरल साइंस के लेक्चर मिलेंगे। मैथ्स सुबह 12 बजे और जनरल साइंस रात में 9 बजे। इसके अलावा हर सैटरडे शाम को 7 बजे आपको रीजनिंग का क्लास मिलेगा और हर संडे आपको शाम को 7 बजे पूरा जो वीक होता है उस वीक का करंट अफेयर्स, वन लाइनर करंट अफेयर्स मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। वो तो डिस्कस करेंगे करेंगे, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मतलब कि करंट अफेयर्स क्विज भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा पिछले 6 दिन का 1 से 6 जनवरी 2019 तक का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम है करंट अफेयर्स जहाँ भी पूछा जाता है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो हमारा न्यूज़ है क्या है, भारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना को आईसीसी ने वर्ष 2018 की महिला क्रिकेटर और वर्ष 2018 की महिला एक दिवसीय खिलाड़ी चुना है। नाम पता होना चाहिए आपको, स्मृति मंधाना। अब क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे वर्ष 2018 की महिला क्रिकेटर का नाम बताइए। तो आंसर क्या है, स्मृति मंधाना। या इस तरह का भी पूछ लिया जाएगा, वर्ष 2018 की महिला एक दिवसीय खिलाड़ी किसको चुना गया, तो किसको चुना गया, स्मृति मंधाना। अगला है, सरकार ने सुधीर भार्गव को नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है, CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किसको बनाया गया है, तो आंसर है सुधीर भार्गव। इसका आंसर है सुधीर भार्गव। इसके बाद बोला गया है, दादा साहब फाल्के अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर मृणाल सेन पास्ड अवे, मतलब कि फिल्म निर्देशक थे मृणाल सेन, इनका नाम है, जिनका अभी निधन हुआ है और इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन थे, ये फिल्म निर्देशक थे, नाम है इनका मृणाल सेन और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके बाद है, ऋषभ पंत एक टेस्ट सीरीज में 20 कैच लेने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए। ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए। तो ये आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर का नाम बताइए। तो नाम क्या है, नाम है ऋषभ पंत। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ वन लाइनर करंट अफेयर्स, सिर्फ समझ लीजिए क्या होता है। अब क्वेश्चन तो इसी से ही बनता है, अब यही पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में पहला शतक लगाने वाले, मतलब कि शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर का नाम बताइए, तो ऋषभ पंत। इसके बाद देखिए, ये भी है, एक टेस्ट सीरीज में 20 कैच लेने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर, इससे पहले अभी तक किसी ने नहीं लिए, तो एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर का नाम बताइए, तो नाम क्या है, ऋषभ पंत। अगला देखिए, बोला गया है, जाने माने अभिनेता एवं लेखक कादर खान का निधन हो गया। आप सभी ने सुनी होगी न्यूज़, एक्टर थे ये कादर खान, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इसके बाद है, वीके यादव को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं। और वैसे इनका पूरा नाम अगर बात की जाए तो पूरा नाम है विनोद कुमार यादव, वीके यादव। चलिए अगला है, न्यायमूर्ति तोततिल बी राधाकृष्णन ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यभार संभाला है। तो आपको पता होना चाहिए, जस्टिस टी बी राधाकृष्णन। ठीक है, ये आपके तेलंगाना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने, तेलंगाना क्या है, पहले आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश से अलग स्टेट, एक दूसरा राज्य बन चुका, अलग राज्य बना, वहाँ पर कोई उच्च न्यायालय नहीं था। 1 जनवरी 2019 से वहाँ पर उच्च न्यायालय आ गया। जब उच्च न्यायालय आया तो उसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं TB राधाकृष्णन। अगला है, इलाहाबाद बैंक ने बीमा कंपनी SBI लाइफ इंश्योरेंस के साथ हाथ मिलाया है। इसके तहत बैंक अपनी 3,200 शाखाओं के माध्यम से SBI लाइफ की पॉलिसी बेचेगा। इलाहाबाद बैंक ने SBI लाइफ इंश्योरेंस से टाई अप किया है। ये इतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। वयोवृद्ध कन्नड़ अभिनेता CH लोकनाथ का हाल ही में निधन हो गया। तो ये पता होना चाहिए आपको कि CH लोकनाथ, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन थे, कन्नड़ अभिनेता। महिलाओं की राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण विजयनगर कर्नाटक में शुरू हो चुका है। बाकी इसके जब रिजल्ट आ जाएंगे तो वो सारी चीज़ें, उसका हम आपको वीडियो बता देंगे कि जो भी कौन जीता, किस कैटेगरी में किसने जीता, ये सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे।
इसके बाद केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन की पहल की शुरुआत की। ठीक है, तो पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री का नाम बताइए, या केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर कौन है, तो नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान। इसके बाद पूछा जा सकता है उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल की शुरुआत किसने करी, धर्मेंद्र प्रधान। कहाँ पर करी, भुवनेश्वर में, उड़ीसा की, क्या है ये, राजधानी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ठीक, अगला आते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ इन्फ्यूज 10,822 करोड़ रुपीज़ इन फोर पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूडिंग यूको बैंक एंड सिंडिकेट बैंक। इट इज़ अ पार्ट ऑफ 28,615 करोड़ रुपीज़ कैपिटल इन्फ्यूजन टू बी डन इन अबाउट हाफ अ डजन पब्लिक सेक्टर लेंडर्स। मतलब ये है कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंकों में 10,882 करोड़ रुपये का निवेश किया है। तो ये अमाउंट ज़रूरी है, अमाउंट याद रखना जरूरी, कितने रुपए का निवेश किया है, 10,882 करोड़ रुपए। यह राशि सार्वजनिक क्षेत्र के सात बैंकों में किए जाने वाले पूंजी निवेश का ही एक हिस्सा है। सात बैंकों में दिया जाना था, अभी चार बैंकों में दिया गया है, इतना निवेश किया गया है, 10,882। टोटल कितना है, 28,615 करोड़ रुपये, कितने बैंक में, सात बैंक में, और अभी चार बैंक में निवेश किया गया, 10,882 करोड़। अगला है, दक्षिण अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आपसे पूछ लिया जाएगा, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, आंसर है साउथ अफ्रीका। ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना है, और कैसा है, अस्थायी है, साउथ अफ्रीका। अगला है, भारतीय जीवन बीमा निगम के एमडी हेमंत भार्गव को अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अभी तक इस पर चेयरमैन कोई नहीं, वैकेंट है ये सीट, खाली है, तो जो इसके एमडी हैं, कौन है, एमडी का नाम है हेमंत भार्गव, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है चेयरमैन का, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा LIC के एमडी और सीईओ कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, हेमंत भार्गव। ठीक, अगला आता है, सीनियर कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर एमएलए डॉक्टर कल्पना परुलेकर का निधन हो गया, वह 67 वर्ष की थी। ठीक है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व विधायक कल्पना परुलेकर का निधन हो गया, वह 67 वर्ष की थी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इसके बाद है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट ही है, ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट, नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम क्या है, जेयर बोल्सोनारो, जेयर बोल्सोनारो, तो ये याद रखिएगा, जेयर बोल्सोनारो कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, ब्राज़ील के। ब्राज़ील के राष्ट्रपति का नाम बताइए, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति का नाम है जेयर बोल्सोनारो। आगे चलते हैं, हांगकांग में आयोजित वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में सिंगापुर निवासी भारतीय मूल के 12 वर्षीय छात्र ध्रुव मनोज ने स्वर्ण पदक जीता। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पहला तो ये पूछा जाएगा, वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप कहाँ पर हुई, कहाँ हुई, हांगकांग में आयोजित हुई। ठीक है, कहाँ पर हुई, हांगकांग में। इसके बाद कौन से भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता, नाम है ध्रुव मनोज, ध्रुव मनोज ने जीता, और ये हुई कहां पर थी, हांगकांग में, वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप। अगला आता है, सौरभ कुमार टुक ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड चेयरमैन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड इन कोलकाता। सौरभ कुमार ने आयुध निर्माणी के महानिदेशक और कोलकाता के आयुध निर्माणी बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण किया। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं, यानी कि DG जिसे बोला जाता है महानिदेशक, और इसके साथ साथ चेयरमैन बनाए गए हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता में। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह आप सभी को पता है कि इलाहाबाद का नाम बदलकर अब हो चुका है
प्रयागराज। इसके बाद है सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रमोद कुमार सिंह को अपना सचिव नियुक्त किया है। सीसीआई का सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? प्रमोद कुमार सिंह। अब ये ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए सीसीआई क्या है। सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसके नए सचिव कौन बने हैं? प्रमोद कुमार सिंह। चलिए अगला है, न्यायमूर्ति छागरी प्रवीण कुमार ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला। अब ये क्या है, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है? ये एडिशनल चार्ज तो नहीं दिया गया, एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं ये, मतलब कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। क्या नाम है इनका? छागरी प्रवीण कुमार। कहाँ के हैं ये? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। और अभी इस थोड़ी देर पहले, इसके पहले एक और राज्य था, वहाँ की भी चर्चा करी थी हम लोगों ने, तेलंगाना। तेलंगाना तो आपको याद रखिएगा, तेलंगाना शुरू होता है टी से, तो जो उसके चीफ जस्टिस हैं उनका भी नाम शुरू होता है टी से, TB राधाकृष्णन। वो न्यूज़, ये जो हमारा जो न्यूज़ है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले चीफ जस्टिस बने हैं वो, और जो इसके पहले वहाँ पर उच्च न्यायालय था ही नहीं, तो इसके पहले चीफ जस्टिस बने हैं। इसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ 20 फरवरी से कोच्चि में IAA विश्व कांग्रेस की मेजबानी करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, IAA वर्ल्ड कांग्रेस, IAA विश्व कांग्रेस, ये कहाँ पर आयोजित की जाएगी? कोच्चि में, ठीक है, 20 फरवरी से होगी। IAA है क्या? इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन, हिंदी में बोला जाए तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ। इसके बाद है, यूनिसेफ के अनुसार भारत ने नए साल के दिन 69,944 शिशुओं का स्वागत किया, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मतलब कि पहले दिन 1 जनवरी 2019 को इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बर्थ हुई हैं वो हुई हैं 69,944। ये एक दिन में इतने लोग पैदा हुए हैं, 69,944, और ये है क्या? हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये एक तरह से रिकॉर्ड है, ये पूछा जा सकता है, भैया कौन सी कंट्री में न्यू ईयर वाले दिन सबसे ज़्यादा बर्थ हुई हैं इंडिया में। और ये भी ज़रूरी हो जाता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ये नंबर, ये जो फिगर्स दिए गए ना, 69944, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, द इंडियन सोसाइटी फॉर रिमोट सेंसिंग ने भू स्थानिक विज्ञान एवं एप्लीकेशंस के विकास में योगदान देने के लिए IIT के प्रोफेसर जयंत कुमार घोष को नेशनल जियो स्पेशल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से नवाजा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, नेशनल जियो स्पेशल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस किसको दिया गया है? जयंत कुमार घोष, जयंत कुमार घोष, नेशनल जियो स्पेशल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस किसको दिया गया? जयंत कुमार घोष। अगला न्यूज़ है, देखिए रमाकांत अचरेकर, आपने सुनी होगी न्यूज़, तो जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, सचिन तेंदुलकर के कोच थे, क्रिकेट के कोच थे, पद्मश्री भी उनको मिल चुका है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, रमाकांत अचरेकर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, पद्मश्री भी जीत चुके हैं, पद्मश्री से सम्मानित थे, उनका प्रोफेशन क्या था, मतलब कि वो कौन थे, रमाकांत आचरेकर कौन थे? तो पता होना चाहिए, क्रिकेट के कोच। जस्टिस AK सिकरी हैज़ बिन नॉमिनेटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा। AK सिकरी को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अभी बनाया नहीं गया, अभी सिर्फ नामित किया गया, नॉमिनेटेड किया गया, ठीक है। AK सिकरी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA नालसा। चीनी चंद्र रोवर चांग-E4 ने चंद्रमा की दूसरी ओर की सतह पर उतरने में सफलता हासिल कर ली है। इसके साथ ही वह रोवर पृथ्वी से चंद्रमा की विमुख फलक पर पहुंचने वाला विश्व का पहला यान बन गया है। समझ रहे हैं आप, मतलब कि चंद्रमा की दूसरी सतह पर उतरने वाला पहला यान है, वर्ल्ड का पहला है। क्या नाम है? चांग-E4 या चांग-E4, चांग-E4। ये दुनिया का पहला ऐसा यान है जो मून की दूसरी साइड पर, दूसरी सतह पर उतरा है। नाम क्या है? चांग-E4। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, चांग-E4।
इम्पॉर्टेंट न्यूज़, बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये। और कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो अभी हम लोग इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक जैसे कि वीके यादव कौन हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं। इसके बाद जो आपका तेलंगाना है, तेलंगाना के पहले जो आपके वो बनाए गए हैं, क्या बोलते हैं आपके, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, वो भी इम्पोर्टेंट है। हम हर एक न्यूज़ के आगे लिख देते हैं कौन कौन सी इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सुधीर भार्गव CIC जिनको बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद ये ऋषभ पंत वाला न्यूज़, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो लिख रहे हैं हम, इसको ज़रूर याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद है आपका, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये इसलिए लिख दे रहा है ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद करने में आसानी रहे कि हाँ पता रहना चाहिए कि हमें ये चीज़ पढ़नी है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके साथ साथ ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो ध्रुव मनोज ने गोल्ड मेडल जीता है, स्पोर्ट्स में ज़रूर पूछा जाएगा। ये अपने सचिव बनाया है CCI ने, ये इम्पोर्टेंट है। अगला आपका आता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ये भी इतना, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़िएगा कि ये कहाँ पर हो रहा है, कहाँ हुआ, ये ज़रूर है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपका, ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नॉमिनेट किए गए, जब बन जाएंगे तब आगे बात करी जाएगी उस पर, जब भी आगे न्यूज़ में आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर पूछा जाएगा। इसके बाद है, कर्नाटक बैंक लिमिटेड ने एक एकीकृत मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन KBL मोबाइल प्लस लॉन्च किया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को को आधिकारिक रूप से छोड़ दिया, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। कौन सी कंट्री है जिन्होंने अभी इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा, यूनेस्को को, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने यूनेस्को से आधिकारिक रूप से छोड़ दिया है। इसके बाद देखिए, गीता इंटेलिजेंस प्रदर्शनी दुबई में आयोजित की जाएगी, जो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित की जा रही है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। नाम क्या है, गीता इंटेलिजेंस, कहाँ पर हो रही है, दुबई में, ठीक। अगला है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ONGC सहित पेट्रोलियम क्षेत्र की 7 कंपनियों ने तेल गैस ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक अलग उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए IIT बम्बई के साथ करार किया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, 6 बार की विश्व चैंपियन ओलंपिक पदक विजेता MC मैरी कॉम को 16वीं टाटा मुंबई मैराथन का दूत बनाया गया, यानी कि एम्बेसडर बनाया गया फॉर द 16 टाटा मुंबई मैराथन। टाटा मुंबई मैराथन की एम्बेसडर कौन है, MC मैरी कॉम, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है स्पोर्ट्स के हिसाब से। MC मैरी कॉम को टाटा मुंबई मैराथन का एम्बेसडर बनाया गया। इसके बाद है, हास्य टीवी कार्यक्रमों के दिग्गज लेखक एवं कलाकार बॉब आइंस्टीन का निधन हो गया, कॉमेडियन थे, बॉब आइंस्टीन नाम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विजया बैंक और देना बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय को मंजूरी दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। पूछ लिया जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन से बैंक मर्ज हुए हैं, तो उस बैंक का नाम आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन में आपको दे देगा देना बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, तो आप ऐसा ना हो उस पर टिक कर दें, तो यही दो बैंक हैं, देना बैंक और विजया बैंक, इन दोनों का विलय हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में। भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया, वन लाल हुमा को स्लोवाकिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इसके बाद है, फीफा के पूर्व रेफरी एलेक्स वेस का निधन हो गया, वो 84 वर्ष के थे, कौन थे भैया ये, फीफा के रेफरी, फॉर्मर फीफा रेफरी, ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है।
भारतीय रिजर्व बैंक की 2017-18 की प्रवृत्ति और प्रगति पर बैंकिंग की रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में क्षेत्रीय बैंकों में के शुद्ध लाभ में 9.11% की गिरावट आई है। कोई खास न्यूज़ नहीं है, बस पता होना चाहिए आपको, बाकी इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसरो ने छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम शुरू किया। इसरो हैज लॉन्च संवाद विद स्टूडेंट्स प्रोग्राम। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ पूछ लिया जाएगा किस ऑर्गेनाइजेशन ने चालू किया, या ये पूछ लिया जाएगा इसरो ने अभी छात्रों के साथ बातचीत करने वाला कुछ इस तरह का कोई कार्यक्रम शुरू किया, उसका नाम क्या था, संवाद विद स्टूडेंट्स। इसके बाद उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति आसिफ सईद खोसा को पाकिस्तान का नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बने। क्या नाम है इनका? आसिफ सईद खोसा। इंपॉर्टेंट न्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस हैं, इनका नाम है आसिफ सईद खोसा। अगला देखिए, प्रतिष्ठित अंग्रेजी और उड़िया लेखक मनोज दास को बेरमपुर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित साहित्य में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए कवि सम्राट उपेंद्र भांजा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाम क्या है? कवि सम्राट उपेंद्र भांजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? मनोज दास को। और ये क्या है? उड़िया राइटर है मनोज दास, इनको दिया गया है। ध्यान रखिएगा, किस लिए दिया गया? साहित्य में दिया गया है। कवि सम्राट सम्राट उपेंद्र भांजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया? मनोज दास। इसके बाद है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के अनुसार HDFC म्यूचुअल फंड 2 साल के अंतराल के बाद देश की सबसे बड़ी संपत्ति प्रबंधन कंपनी AMC बन जाएगी, बन गई है, बन जाएगी नहीं, बन गई है। और बोला गया है HDFC म्यूचुअल फंड ने ICICI म्यूचुअल फंड को पीछे छोड़ दिया है। ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ जरूर लीजिएगा, बिकॉज पहली बार ये 2 साल के बाद HDFC म्यूचुअल फंड आया है नंबर एक पर, सबसे बड़ी संपत्ति प्रबंधन कंपनी बनी है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है, HDFC म्यूचुअल फंड। और ये है क्या? लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, HDFC म्यूचुअल फंड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी, पूरे देश की सबसे बड़ी संपत्ति प्रबंधन कंपनी है HDFC म्यूचुअल फंड। इसके बाद देखिए अगला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध बांग्ला लेखक दिव्येंदु पालित का निधन हो गया। अब ये आपसे पूछा जा सकता है, दिव्येंदु पालित कौन थे? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बांग्ला लेखक। ठीक है, दिव्येंदु पालित। RBI ने MSME क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए व्यापक समाधान की समीक्षा प्रस्ताव के लिए 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश चंद्रशेखर शंकर धर्माधिकारी का निधन हो गया, 91 वर्ष के थे। ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको पता होना चाहिए कि था कौन ये, चंद्रशेखर शंकर धर्माधिकारी, ये कौन थे? बंबई के पूर्व न्यायाधीश, बंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। इसके बाद है, ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पारा शिक्षकों की मांग पर विचार करने के लिए शिक्षा मंत्री नीरव यादव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मानव संसाधन मंत्रालय ने मनोचिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र पाल नागपाल की अध्यक्षता में JNV विद्यालयों के द्वारा छात्रों आत्म, ये भी कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। छबिलेंद्र राहुल ने उर्वरक विभाग रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार में सचिव पद का कार्यभार ग्रहण किया। छबिलेंद्र राहुल, देखिए इस तरह के जो आते हैं ना, जो मिनिस्ट्री में अगर कोई आपका सचिव बनता है या सेक्रेटरी बनता है, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इस तरह की न्यूज़ नहीं पूछी जाती। कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर कोई चीफ बनता है, MD बनता है, चेयरमैन बनता है, CEO बनता है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। कोई आप किसी मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी बन रहे हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, एग्ज़ाम में नहीं पूछा था, फिर भी आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक
ठीक है, अगला है, देश की प्रमुख दवा कंपनी सन फार्मा ने जापान की पोला फार्मा का अधिग्रहण किया। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये जापान की कंपनी है पोला फार्मा, इसका अधिग्रहण किसने किया है? देश की सबसे बड़ी कंपनी है ये सन फार्मा, इसने किया है। अगला है, जस्टिस चोलेंद्र शमशेर जेबी राणा ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी देखिए, हमने आपको बताया पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो अभी नए बने हैं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, उसके बाद ये आ गया नेपाल के चीफ जस्टिस, ये भी आ गया जेबी राणा। नेपाल के चीफ जस्टिस कौन है? जेबी राणा। इसके अलावा हमने आपको एक और बताया, वो कौन है? वो तेलंगाना के हैं, जो तेलंगाना के पहले उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश हैं, वो इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बने हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, और ये नेपाल के नए बने हैं जेबी राणा, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी प्रकाश रेले का निधन हो गया, वो 78 वर्ष के थे, ये आपको पता होना चाहिए। प्रकाश रेले कौन थे? कैरम खिलाड़ी। आईसीआईसीआई बैंक ने एमएसएमई को कोई खास नहीं है, छोड़ दीजिए। महिला और बाल विकास मंत्रालय चंडीगढ़ में छठवें भारतीय महिला जैविक महोत्सव की मेजबानी करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो छठवां भारतीय महिला जैविक महोत्सव हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? चंडीगढ़ में, ये इम्पोर्टेंट है। सिक्स्थ वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल कहाँ होगा? चंडीगढ़ में, ये इम्पोर्टेंट है। तो हमने आपको बता दिया इसमें सारे में क्या इम्पोर्टेंट है, किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। आगे देख लीजिए, पाकिस्तानी सेना ने स्वदेश में विकसित 100 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाले A-100 रॉकेट को अपनी आयुधशाला में शामिल किया है। क्या नाम है? A-100। पंकज आडवाणी ने ध्वज हरिया को हराकर 15वां इंटर यूनिट PSPB बिलियर्ड्स टूर्नामेंट जीत लिया। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की बात की जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पंकज आडवाणी ने जीता है। क्या जीता? क्या है? PSPB बिलियर्ड्स टूर्नामेंट, PSPB बिलियर्ड्स टूर्नामेंट, किसको हराया? ध्वज हरिया को। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगला जो न्यूज़ आ रहा है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अरुणिमा सिन्हा माउंट विंसन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी। तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट विंसन। ठीक, इसके बाद इस पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला बन गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो इनसे ज़रूर सीख लेनी चाहिए, इनका एक पैर नहीं है, उसके बाद भी ये सब जगह चढ़ती जा रही हैं। अगला है, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और RBI की रिपोर्ट के अनुसार, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है, NAC ज्वेलर्स के प्रबंध निदेशक अनंत पद्मनाभन को 2 साल के लिए ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का चेयरमैन चुना गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट में पूछा जा सकता है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक, इसके आपके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? चेयरमैन का नाम है अनंत पद्मनाभन, और ये हैं कौन? ये हैं NAC ज्वेलर्स के प्रबंध निदेशक। तो ये था हमारा पूरा पिछले वीक का करंट अफेयर्स 1 से 6 जनवरी। अगर आपको कुछ भी लगता है कि कुछ गलत बताया है या कोई न्यूज़ गलत दी है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ, ये आपने गलत बताया है। तो चलिए, अगले हफ्ते मिलेंगे ठीक इसी टाइम 7 बजे, पूरे अगले हफ्ते का करंट अफेयर्स के साथ। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।